फ्रेंड्स ट्वेंटी तक वस्तना प्रीवियस सेशन में कर चुके, अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, इसको हम थ्री मेथड से डिस्कस कर सकते हैं, तीन मेथड से कर सकते हैं हम। कैसे भाई? एक तो ये है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करें और प्रूव करते हैं। जिसका लेफ्ट हैंड साइड है 22 क्वेश्चन करेंगे हम ऐसे ही, उसमें ये नहीं दे रखा। तो हमारे पास एक मेथड तो ये हम 22 क्वेश्चन में करेंगे, लेकिन यहां पर ये लेंथ ही होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये भी सॉल्व करना पड़ेगा और ये भी, बहुत लेंथ ही हो जाएगा। फिर क्या करें हम? अगला क्वेश्चन हमारे पास बेटा कि भी इसको हम सेपरेट करके करें, सेपरेट करके करेंगे तो है तो इजी, बट लेंथ ही है वो, इसलिए उसको भी हम नहीं कर सकते। ये आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते कि इसको सेपरेट कर दो आप, लेकिन ये ध्यान रखना कि एक टाइम में एक ही कॉलम सेपरेट करोगे, दोबारा सेपरेट नहीं करोगे। और थर्ड मेथड अब मैं ट्राई कर रहा हूं, वो आपके एग्जाम्पल में भी दे रखा है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, क्या करें हम R1 में R1, R2, R3 ऐड कर देते हैं। R1 में R2, R3 ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 टाइम ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, 2 टाइम ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, 2 टाइम ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ये आएगा। अब हमारे पास ये रह गया y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, यह आएगा। ठीक है, अब तो यहां पर हमारे पास, अब देखो वैसे तो यहां पर हमारे फर्स्ट रो में ये पूरा कॉमन आ रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड को हिट देखे करें तो केवल हमें 2 चाहिए बार। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग, वैसे देखो यदि ये पूरा कॉमन लोग तो भी हो जाएगा, 3 इक्के बनाएंगे और 0 करके कर लेंगे हम, और इसको भी फिर सॉल्व करना पड़ेगा जो कि बहुत लेंथ ही हो जाएगा। टेकिंग 2 फ्रॉम R1, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1, तो R1 से 2 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या रह गया, x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z, y प्लस z, z प्लस x, x प्लस y, z प्लस x, x प्लस y, y प्लस z, ये आ गया हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, ये x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z हो गया। अब बच्चे हमें चाहिए यहां पर, देखो राइट हैंड साइड में सिंगल एलिमेंट चाहिए, और यहां पर हमारे पास क्या है, ये 3 टर्म है, ये 2 टर्म है, ये 2 टर्म है, और हमें चाहिए सिंगल टर्म। तो हम क्या करते हैं कि इसको R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, तो माइनस करें क्या आएगा, 2 x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। अब क्या आएगा, y प्लस जेड माइनस करेंगे इसमें
तो आएगा माइनस का x, z प्लस x माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस का y, x प्लस y माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस का z, z प्लस x माइनस करोगे माइनस का y, x प्लस y माइनस करोगे तो माइनस का z, y प्लस z माइनस करोगे कितना आएगा माइनस का x। ये आ गया हमारे पास। अब तो यहां पर देखो ध्यान से, ये माइनस, ये तो हमें माइनस नहीं चाहिए, प्लस चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए। हमारा ये मोटिव तो पूरा हो गया, एक भी सिंगल सिंगल टर्म आ गई, लेकिन यहां पर तो सिंगल टर्म नहीं आई भी, इसको भी सिंगल टर्म बनानी है। तो क्या करो भैया, आर वन में फिर हमने दोबारा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर दिया, तीनों रो ऐड कर दी, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया हमने। अब बेटा रो ऐड करोगे, ये नहीं कि हम एक बार ऑपरेशन कर चुके तो आप एक दोबारा नहीं करते, और मैंने ये कहा था कि एक टाइम में आप दो ऑपरेशन करते हैं, तो दो कर रखे हमने, ये नहीं कहा कि पूरा ओवरऑल हम दो कर सकते हैं, चाहे हम कितने कर लें ऑपरेशन ऐसे ही, लेकिन एक टाइम में दो से ज्यादा ऑपरेशन यूज नहीं करेंगे। तो हमने ऐड किया तो टू क्या है हमारे पास, या देगा ऐड करोगे एक्स एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो क्या देगा जेड। सिमिलरली या देगा एक्स, यहां पर क्या देगा ये जेड और एक्स कैंसिल हो जाएगा वाई, माइनस का एक्स, माइनस का वाई, माइनस का जेड, माइनस वाई, माइनस जेड और माइनस का एक्स। क्या हमारे पास अब क्या करोगे बेटा, यहां पर नहीं, यहां पर तो माइनस का जिक्र है ही, तो क्या करेंगे हम, टेकिंग कॉमन माइनस फ्रॉम आर टू एंड आर थ्री, आर टू आर थ्री से हमने कॉमन ले लिया भाई, माइनस इसमें से कॉमन लिया, माइनस इसमें से कॉमन लिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या हो गया टू जेड एक्स वाई, एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स। क्या हमारे पास अब बच्चे, तो अब आगे देखो तो ध्यान से, हमें एक्स वाई जेड कहां चाहिए, ये एक्स वाई जेड आ गया सेकंड रो पे और यहां पर आगे जेड एक्स वाई, तो हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा, इंटरचेंज आर वन, इंटरचेंज आर टू, फिर दोबारा चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर जेड एक्स वाई आएगा और यहां पर वाई जेड एक्स है, ये चाहिए यहां पर हमें सेकंड नंबर पे, यहां पर है ये थर्ड नंबर पे, तो आर टू इंटरचेंज आर थ्री। और यदि आप एक बार इंटरचेंज करें दो रो को, तो बाय प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है कि आप माइनस का साइन लगाते हैं, तो हमने लेकिन दो टाइम किया चेंज, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये टू या देगा एक्स, देखो ये आर वन और आर टू इंटरचेंज किया, तो ये माइनस का साइन लगना था वाई जेड, और यहां पर क्या आना चाहिए था जेड एक्स वाई, लेकिन फिर दोबारा चेंज करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वाई जेड एक्स Z X Y, तो that is the answer. Okay, तो ये अपना 21st question. अब बिल्कुल 22nd question. 22nd question में हमारे पास क्या है? यही statement बेटा 22nd question में है. B plus C. C प्लस ए, ए प्लस बी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यह आ गया। अब बच्चे इसमें हमारे पास देखो यही स्टेटमेंट है, यही है। अब इसमें हमने वही ऑपरेशन यूज करना है
आर वन में आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यही ऑपरेशन यूज करें हम। लेकिन इसमें तो हमने केवल कॉमन क्या लिया था, टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन नहीं लिया, केवल टू लिया था, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड देख के। लेकिन इसमें हम ये ऑपरेशन यूज करेंगे आर वन, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इसमें आप टू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लोगे, क्यों, क्योंकि इसका आपका राइट हैंड साइड में पता है आपको कि आपके क्वेश्चन में है टू टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपको दे रखा है, तो इसको आपको पूरा कॉमन लोगे तो तीन इक्के आ जाएंगे, और तीन इक्के आने के बाद आप ऑपरेशन ये सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 23rd, 23rd क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस बी सी सी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर टाइम ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारे पास है फोर टाइम ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बेटा यहां पर देखो, हम 15 का फर्स्ट पार्ट, उसमें फोर ए बी सी वाला सम था, तो हमने उसमें कहा था जिस सम में भी फोर ए बी सी वाई सम आए तो उसमें तीन जीरो बनेंगी, तो इसमें हमारे पास तीन जीरो बनेंगी, तीन इक्के नहीं आएंगे। फिर अब तीन जीरो, फिर हमने उसमें क्या क्या था कि बी प्लस सी में से कुछ माइनस किया था, इस टाइप से स्टेटमेंट थी। अब बच्चे यहां पर हमारे पास देखो भाई, थोड़ा ध्यान से देखें, ए फर्स्ट कॉलम में कॉमन आ रहा है, बी सेकेंड कॉलम में, सी थर्ड कॉलम में, तो टेकिंग कॉमन लेफ्ट हैंड साइड में, टेकिंग कॉमन कॉमन ए फ्रॉम कॉलम फर्स्ट, बी फ्रॉम कॉलम सेकेंड, सी फ्रॉम कॉलम थर्ड, हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन लिया तो क्या आएगा, ए बी सी कॉमन लिया तो क्या आएगा, ए फिर यहां बी, फिर यहां पर सी कॉमन लिया, इसमें तो क्या आएगा, ए प्लस सी, ऐसे यहां पर इसमें आएगा ए प्लस बी, बी और क्या आएगा ए, इसे बी कॉमन लिया, सॉरी ए कॉमन लिया तो बी, इसमें हमने b को मिल लिया था b प्लस सी और c, या हमने यहां पर अब जीरो तो बनाना, हमने वैसे तो जीरो यहां से ऐसे हो सकता है r2 में से r1 माइनस कर दीजिए r, या आप क्या कर दीजिए आप भाई a है हम किसी और तरीके से कर सकते हो। लेकिन बच्चे यदि इस टाइप के सब आते हैं तो यहां पर जैसे a प्लस वाला है तो इसको जीरो बनाने की कोशिश कीजिए, तो ए प्लस सी में से इंद्रोसम माइनस कर दीजिए, जैसे उसमें भी किया था हमने ऐसे बी प्लस सी में से इंद्रोसम माइनस किया था, या आप ये कीजिए इसमें, सॉरी मैंने गलत किया यहां स्टेट, ये यहां आएगा सी, अब इसमें हम क्या करते हैं इंद्रोसम माइनस करते हैं, या ए प्लस बी में से इंद्रोसम माइनस करते हैं, तो ये जीरो बनाना जरूरी है, इससे इजी क्वेश्चन होगा। तो हम क्या करेंगे,
आर वन में आर वन माइनस आर टू प्लस आर थ्री करेंगे कि आर वन में से इन दोनों सम माइनस कर देंगे तो क्या आएगा ए बी सी, यहां माइनस कीजिए ए में से इन दोनों सम माइनस कीजिए तो क्या आएगा माइनस टू बी, यहां पर माइनस कीजिए तो माइनस टू बी, यहां पर करोगे तो क्या आएगा जीरो, ए प्लस बी बी ए बी बी प्लस सी सी, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे बेटा टेन कॉमन माइनस टू बी, टेन कॉमन माइनस टू बी फ्रॉम आर वन, अब आर वन से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा माइनस टू, माइनस टू क्या देगा ए बी स्क्वायर सी, और यहां पर आ जाएगा वन, या देखो माइनस टू बी कॉमन लिया क्या आएगा वन, माइनस टू बी कॉमन लिया तो क्या आएगा वन जीरो, ए प्लस बी बी ए बी बी प्लस सी सी, क्या क्या बेटा। अब क्या करेंगे हम एक जीरो और बनाने की कोशिश करेंगे, तो अब कॉलम टू, कॉलम टू माइनस कॉलम वन, तो माइनस टू ए बी स्क्वायर सी वन, ए प्लस बी बी वन माइनस वन जीरो, बी माइनस करोगे तो माइनस का ए, बी प्लस सी करोगे तो क्या आएगा सी जीरो ए सी, आप डिटरमिनेंट ले लो तो याद आएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24th में क्या करना है आपको, ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस वन, ए स्क्वायर प्लस वन ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर प्लस वन बी सी, ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यह आएगा। अब ना यहां पर इसको करना है, देखो जी यहां पर क्या आएगा, ये वन प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, स्क्वायर में बनाना है, यहां तो ये तो स्क्वायर में है, ये तो स्क्वायर में नहीं है ना, तो इनको हम स्क्वायर में बनाएंगे। ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि ए इसमें कॉमन ले लिया, अरे भैया ए स्क्वायर प्लस ए होता तभी ए कॉमन आता इसमें, अदरवाइज कॉमन नहीं आ सकता इसमें। तो आप क्या करोगे बेटा, हम इसमें स्क्वायर बनाना है, तो हम ए बी सी से डिवाइड और ए बी सी से हम पे करेंगे, वो आपकी च्वाइस है, चाहे आप कॉलम वाइज कर लीजिए या रो वाइज। यदि आप कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हो तो कॉमन रो वाइज आएगा, यदि आप मल्टीप्लाई कॉलम वाइज करते हो तो रो वाइज कॉमन लेंगे, यदि मल्टीप्लाई रो वाइज करते हो तो कॉमन कॉलम वाइज लेंगे। जैसे मैं यहां पर ए को इसमें पे कर रहा हूं किससे, रो वाइज, तो फर्स्ट रो को हमने इसमें पे कर दिया ए स्क्वायर प्लस वन ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, ऐसे बी से पे कर दिया तो क्या आएगा ए बी स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर प्लस वन
बी स्क्वायर सी, सी से पैक कर दिया तो ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर प्लस वन हमारे पास। अब बेटा यहां पर देखिए हमने मल्टीप्लाई कैसे किया था रो वाइज, अब मैं कॉमन ले रहा हूं कॉलम वाइज, तो कॉलम लिया ने टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम कॉलम वन, बी फ्रॉम कॉलम टू एंड सी फ्रॉम कॉलम थ्री, हमने कॉमन लिया भाई, तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा ए इसमें से कॉमन लेंगे, बी इसमें से और सी इसमें से कॉमन ले चुके हम, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वन सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन या हमारे पास ये कैंसिल। अब बेटा देखो आप देखो हमें क्या चाहिए वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यदि हम तीनों रो को ऐड करें तो टू थ्री ए स्क्वायर प्लस वन आएगा, नहीं बनेगा भाई, यदि हम तीनों कॉलम को ऐड करते हैं तो नहीं बनेगा, ये यदि रो को ऐड करें तो हो जाएगा, तो आर वन में आर वन आर टू आर थ्री ऐड कर दीजिए, तो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब वही बी स्क्वायर प्लस वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वन, अब कॉमन लेके तीन इक्के हो जाएंगे फिर जीरो बना लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 25th क्वेश्चन है, देखिए 25th क्वेश्चन बी स्क्वायर सी स्क्वायर 25th बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी बी प्लस सी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। अब जीरो प्रूव करना है तो हमारे माइंड के अंदर तुरंत क्लिक होना चाहिए कि जीरो कब होता है, या तो दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल हो, या एक ही कॉलम के सारे एलिमेंट या रो के एलिमेंट जीरो, इन दो कंडीशन में होता है। तो देखो बेटा कोई प्रोपोर्शन तो बन नहीं रही, फिर क्या करें हम, इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो क्या इसको कॉल कर लीजिए आप, क्या आप इसको सेपरेट अलग इसको सेपरेट अलग, लेकिन वो लेंथ ही हो जाएगा बेटा, हम इसको सेपरेट ना करके थोड़ा देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी सी ए ए बी बी प्लस सी सी प्लस ए ए प्लस बी, ये थोड़ा ध्यान से देखिए आप, यहां पर बी सी बी सी है कोई ए का जिक्र नहीं है, यहां पर बी का जिक्र नहीं है, यहां पर सी का नहीं है, तो आप क्या करें कि भी ए बी सी से डिवाइड और ए बी सी से हम पे करते हैं फर्स्ट रो को हम ए से, तो ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी और ए से हम पे करेंगे कितना आएगा ए बी प्लस ए सी, ऐसे इसको बी से करें हम तो बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी ए बी सी प्लस बी ए, सी से करो भाई तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए बी सी ए सी प्लस बी सी,
आ गया हमारे पास। अब क्या करोगे आप, अब देखो एबीसी में से कौन आ रहा है और एबीसी में कौन आ रहा है, तो टेकिंग कॉमन एबीसी फ्रॉम कॉलम वन एंड कॉलम टू, तो एक बार ये एबीसी लेंगे कट जाएगा, लेकिन एक बार तो रहेगा, तो फन वन टाइम में लिख देता हूं एबीसी क्या रहेगा, यहां पर ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर है तो वन एबीसी तो गया बाहर, क्या रह गया बी सी, यहां पर सी ए, यहां पर ए बी, अब यहां पर एबीसी जा चुका बाहर, तो वन 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 ये ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए, ए सी प्लस बी सी, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करें भाई, अब थोड़ा ध्यान दोगे कॉलम वन में कॉलम थ्री ऐड कर दीजिए, तो कॉलम वन में कॉलम थ्री ऐड करोगे तो ये फर्स्ट ये ऐड करोगे, देखो फायदा क्या होगा, यहां पर ए बी प्लस ए सी ये बी सी ऐसे ऐड करोगे तो यह आ जाएगा, ये आ जाएगा, तीनों सेम आ जाएंगे, तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम क्या हो जाएंगे प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तो उनका सम उनका क्या रिजल्ट जीरो आ जाएगा, तो कर लोगे आप, ट्राई करना, नहीं आए फिर पूछ लेना। नेक्स्ट 26 का क्वेश्चन मैं आपको नोट्स मांग भेज दूंगा, क्योंकि इट इज अ लेंथी क्वेश्चन और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आज से 3-4 साल पहले एग्जाम में आया था ये, इसलिए ये नहीं कि आ नहीं सकता। 27 क्वेश्चन, क्वेश्चन है बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी सी, सी प्लस ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर सी ए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और वैसे तो देखो ए प्लस बी प्लस सी ये बन जाएगा, b माइनस सी करना चाहूं तो इसमें से माइनस कर दूंगा मैं, तो इस टाइप से राइट हैंड साइड से इंट ले सकता हूं, लेकिन एक ट्रिक है वो ध्यान रखना बच्चे, जिस समय भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो तो पहले कोशिश करेंगे कि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, किसी भी समय ये मिल जाए तो पहले उसको बनाने की कोशिश करेंगे, आप एग्जांपल में भी देख सकते हो उन्होंने भी ऐसे कर रखा है, वैसे तो उससे भी हो जाएगा लेकिन उनसे क्या होगा वो लेंथ ही हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, तो स्क्वायर कैसे बनाएंगे बेटा, पहले इसको सॉल्व कीजिए लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्व करें हम क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू सी ए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी,
ये आ गया हमारे पास। अब बेटा देखो हमें क्या बनाना है, ए स्क्वायर, यस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यदि आप इसको ऐड कर दें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन प्लस टू बी सी आ रहा है तो उसको कैसे करेंगे भाई हम, इसमें हम क्या करेंगे इसका टू टाइम करके माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे देखो कॉलम, और किस पे करते हैं आप, कॉलम वन पे लिख देते हैं कि ये ही लेंथ ही है तो इस लेंथ को हटा देते हैं, कॉलम वन पे लिखते हैं हम, कॉलम वन पे कॉलम टू ऐड करते हैं तो इससे आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, लेकिन हमें टू बी सी नहीं चाहिए तो ये इसका टू टाइम करके माइनस कर देंगे, माइनस टू टाइम ऑफ कॉलम थ्री। तो ये सोल्व करोगे तो यह आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर बी सी सी ए ए बी, अब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर कॉमन लोगे तो तीन क्या हो जाएंगे और ट्रिपल वन हो जाएगा हमारे पास। तो क्या होगा फिर सोल्व कर लोगे आप, जीरो बना के कर लोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28, क्वेश्चन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी सी ए, बी स्क्वायर प्लस सॉरी ए बी सी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी सी सी ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू प्रूव करना है फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वही फोर ए बी सी वाला सवाल बनेगा तो तीन जीरो बनेंगी। अब तीन जीरो कैसे बनेंगे भाई, उस ट्रिक बताई थी आपको बी प्लस सी में से बी सी घटाते हैं, यहां तो बी सी तो है ही नहीं, या सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में से आप ये माइनस करते, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब हम कैसे करेंगे, तो यहां पर स्क्वेयर है तो इनको भी हम स्क्वेयर बनाने की कोशिश करेंगे, तो वही आप ए बी सी से डिवाइड और ए बी सी से मल्टीप्लाई। तो अपन आपकी चॉइस है फिर वही, चाहे आप रो वाइज कीजिए चाहे कॉलम वाइज, यदि आप रो वाइज मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कॉलम वाइज को मिल लेंगे, पिछली बार हमने रो वाइज मल्टीप्लाई किया था, अब की बार जानबूझकर कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं।